मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। 19 जून 2020 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। वहीं राहु काल का समय रहेगा 11:14 से लेकर 12:34। सूर्योदय होंगे 5:45 पर और सूर्यास्त होगा 7:11 पर। सूर्यदेव रहेंगे मिथुन राशि में, वहीं चंद्रदेव रहने वाले हैं वृषभ राशि में। अब जिन जातकों का जन्म दिवस है उन्हें मेरी ओर से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मेरी ओर से मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। राशि चक्र की सबसे पहली राशि है मेष राशि। आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना बन रही है। बिजनेस या कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा हो सकती है। काम भी बहुत रहेगा। दूर स्थान के लोगों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। लोग आपकी मेहनत से कुछ सीखेंगे। निपट चुके काम एक बार चेक कर लें, अच्छा रहेगा। थकान भी हो सकती है। खर्चा बढ़ने के योग है। चंद्रमा गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा तो ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। किसी से विवाद और मतभेद हो सकते हैं। धन की हानि भी संभव है। नौकरी और बिजनेस में आपको संभल कर रहना होगा। अगली राशि है वृषभ राशि। आज चंद्र, शुक्र और शनि का गठजोड़ आपकी राशि से 8वें भाव में है। अपने नियमित काम में आपका मन नहीं लगेगा। आज आपको दूसरों की बातें समझ सकने में, उनके इरादे समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। खास तौर पर अपने प्रियजनों के साथ आपकी गलतफहमी बार बार रह सकती है। स्वयं अपने व्यवहार को समझना भी आपको मुश्किल लगेगा। आज आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। जब तक आप पूरी तरह शांत ना हो तब तक उसका उत्तर न दें। विपरीत लिंग के लोगों में आज आपकी बहुत रुचि रहेगी। आज आप रहस्य अध्यात्म जैसे विषयों की बजाय सांसारिक मामलों में मन लगाएं तो अच्छा रहेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। आज के दिन आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आपके कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव बना रहेगा। आप प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों से परेशान हो सकते हैं। वित्तीय बाधाओं को महसूस किया जाएगा क्योंकि खर्च में वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन दोस्तों की मदद से आप चीज़ों को सकारात्मक रूप से घुमा पाएंगे। आप मौसम के अनुसार थोड़ा शीतल महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। किसी भी यात्रा को स्थगित करना उचित होगा। घर में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह की बहस से दूर रहने की कोशिश करें। अगली राशि है कर्क राशि। आज आप किसी तरह के संदेह को अपने मन पर हावी न होने दें तो आपका दिन बहुत सारी सफलताओं से भरा रह सकता है। आपको उन कार्यों में सफलता मिलेगी जो किसी न किसी अड़चन के कारण रुके पड़े हैं। हिम्मत बनाए रखें तो आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में सफल होंगे। आपको अपनी लगभग सभी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का मौका मिलेगा। आज अगर कोई निजी काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद अपने कागजी काम काज को निपटा सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। आज जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। सचेत होकर कार्य करें। आज जो भी निर्णय लें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर ही लें। आज अपनी वाणी और व्यवहार के वाद विवाद का कारण बन सकता है। ऐसे में जरूरी है आप जो भी कार्य करें उसे अच्छी तरह से सोच समझ कर करें। ग्रह नक्षत्रों की माने तो आज के दिन कहीं निवेश करना हो या फिर कोई नया कार्य शुरू करना हो तो किसी वरिष्ठ या फिर जानकार की राय जरूर ले लें। इससे आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। आपका काम कम समय में पूरा हो जाएगा। आपका काम दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी लोग आपकी तारीफ करेंगे। परिवार में सब लोग आपके पक्ष में रहेंगे। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में जा सकते हैं। विवाहित लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे। आपके व्यवहार की तारीफ होगी और गणेश जी पर हल्दी की गांठ चढ़ाएं। हर तरह से स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगली राशि है तुला राशि। आज विजय और मान प्रतिष्ठा कायम रखना आसान नहीं है। अगर इन सबके लिए भाग्य कोई मौका या साथ दे तो उस वक्त की नज़ाकत को समझना बुद्धिमानी होगी। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको उपलब्धियों का सुख मिलेगा।
अपनी ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करें। राजनीति में सफलता मिलेगी लेकिन धन के व्यय से परेशान रहेंगे। यह महा सफलता की प्राप्ति का है। जॉब में प्रगति होगी। परिवार के साथ कहीं धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। कुंभ और वृषभ आपकी शुभ मित्र राशि है। इस माह इनका सहयोग प्राप्त होगा और अविवाहित लोगों के रिश्ते आएंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। पैसों के मामले में नुकसान हो सकता है। कुछ कानूनी मामलों में आप उलझ सकते हैं। समय का ध्यान रखें। कुछ खास काम आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज अचानक होने वाले किसी घटनाक्रम पर आप तुरंत कोई फैसला लेने से बचें। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। थोड़ी थकान भी हो सकती है। व्यापार अच्छा चलेगा। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होगी। आर्थिक लाभ संभव है। वाणी पर संयम रखें। परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर लाभ होगा। यात्रा करने का मौका मिलेगा। अगली राशि है धनुराशि। आज आपको दिन भर भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। आपका भाग्य आपको इशारे करता रहेगा और आपको इन संकेतों को तुरंत ताड़ना होगा। आज आपका अंतर्मन भी बहुत सशक्त है। आप अपने मन की आवाज़ पर समझदारी के साथ विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने निकट परिचय के लोगों में से परिवार में किसी को आपको कोई अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है जो प्रसन्नतादायक ही होगा। पुराने समय किसी मित्र से अचानक भेंट हो सकती है। आज काम काफ़ी रहेगा और दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आज आपको काफ़ी समय घर पर बिताना पड़ सकता है। शारीरिक थकान के कारण आपको विश्राम और शारीरिक मानसिक तौर पर सुस्ताने की गहरी आवश्यकता महसूस होगी। अगली राशि है मकर राशि। आज आप अपनी रचनात्मक चरम सीमा पर रहेगी। जो जातक कला लेखन जैसे रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं वह लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य संगीत टीवी सिनेमा फैशन आदि से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए कुछ प्रतिष्ठित सौदे हो सकते हैं। आप में से कुछ महत्वपूर्ण करियर संबंधी निर्णय ले सकते हैं जो आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। वित्तीय रूप से यह एक अच्छा दिन है। आप कार्यालय और घर के नवीनीकरण पर भी खर्च कर सकते हैं। घर में माहौल आनंदमय रहेगा और आप परिवार के साथ कुछ मनोरंजक गतिविधि का आनंद लेंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। व्यवसाय को नई दिशा देने का सार्थक प्रयास करेंगे। मेष और तुला राशि का सहयोग व्यवसाय में मिल सकता है। धन का आगमन होगा। स्वास्थ्य से कष्ट मिलेगा। श्वास और मधुमेह से समस्या हो सकती है। लेखन और पत्रकारिता से संबंध जातक लाभ होगा। कर्क या फिर कुंभ राशि के जातक से व्यवसायिक लाभ हो सकता है। शासन तथा प्रशासन का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा तथा प्रतियोगिता की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक हो सकता है। खर्चों में कमी का प्रयास करें। व्यापार अच्छा चलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और समस्याओं से निजात मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। अगली राशि है मीन राशि। आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके सारे काम आसानी से पूरे होते दिखेंगे। अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। अहम कार्य में दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। आज आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। इस राशि के बिजनेसमैन कुछ बड़े लोगों से मिल सकते हैं। व्यवसाय में कई दिनों से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। आपकी मुलाकात सफल रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी रह सकते हैं। सहयोगी काम में मदद करेंगे। घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। तो ये था दैनिक राशिफल। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।